हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। प्यारो कृष्णा, कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो उम्मीद कर रहा हूं पिछले लेक्चर आप लोगों ने देख लिए होंगे और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 4, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ओके, जिसके अंदर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपीरेशन के बारे में। करें शुरू। ओके, उससे पहले एनसीईआरटी निकाल लो, एनसीईआरटी निकाल लो। केवल लेक्चर देने से काम नहीं होगा, एनसीईआरटी निकाल लो। लेक्चर पढ़ाता जा रहा हूँ मैं, साथ में रखो एनसीईआरटी और जो बताता जा रहा हूँ, इसकी हिंदी मार्क कराता जा रहा हूँ, कोई वर्ड भी नहीं है उसको लिखते चलो, तो तुमको लेक्चर में क्या मिलने वाला है, कुछ आउटपुट मिलेगा कि हाँ कुछ पढ़ के समझ में आया। अदरवाइज पढ़ोगे समझोगे अच्छा लगेगा, लेकिन सब दिमाग से उतर जाएगा। तो चलो एनसीईआरटी निकाल लो, वीडियो को पॉज कर लो, करें शुरू। ओके, तो ट्रांसपीरेशन, आओ देखें ट्रांसपीरेशन होता क्या है। पता सबको ये ट्रांसपीरेशन क्या होता है, पानी का उड़ना जो प्लांट में होता है। खैर, अब मैं एनसीईआरटी की भाषा में बात करते हैं, एनसीईआरटी क्या कहती है ट्रांसपीरेशन के बारे में। ट्रांसपीरेशन इज द एवोपरेटिव, एवोपरेटिव मतलब धूप के द्वारा हीट होती है, पानी उड़ता है तो उसे क्या कहता है, एवोपरेशन कहा जाता है। तो कह रहा है एवोपरेटिव यानी कि हीट की वजह से लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट। मिल गया डेफिनेशन, ट्रांसपीरेशन पानी का लॉस, एवोपोरेशन होना, इवेपोरेशन होना बाय प्लांट। इट ऑकर्स मेनली थ्रू स्टोमेटा, किसके थ्रू होता है ये स्टोमेटा, जानते हो ना स्टोमेटा, नाम तो सुना ही होगा, पत्तों में पाया जाता है, छोटे से पोर्स होते हैं उनको हम स्टोमेटा कहते हैं। सिंगुलर स्टोमा होता है, ये याद रखो, देखो बच्चा फंस जाता है, वो कई बार स्टोमा लिख के आता है वर्ड, स्टोमा सिंगुलर है, प्लूरल क्या है इसका, स्टोमेटा है। अब क्या कह रहा है, बिसाइड्स द लॉस ऑफ वाटर वेपर, बिसाइड मतलब इसके अलावा, यानी कि लॉस ऑफ वाटर वेपर के अलावा, इन ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन में एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन लीफ आल्सो ऑकर्स थ्रू दीज स्टोमेटा। इन स्टोमेटा के द्वारा पानी के लॉस के अलावा गैसेस का भी एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि तीन काम कर रहा है ये, पानी का तो उड़ा ही रहा है, उड़ रहा है इसके अंदर से ऑक्सीजन, जो प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस के दौरान O2 बन जाती है उसको बाहर निकालेगा, और फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्या चाहिए, CO2, वो इसी पोर से अंदर ले लेता है। तो क्या क्या काम कर रहा है, बिसाइड द लॉस ऑफ वाटर, पानी के लॉस के अलावा, ये लाइन को मार्क करेंगे यहां पर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी गैसेस में भी कौन सी, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द लीफ ऑल्सो ऑकर थ्रू दिस स्टोमेटा। क्लियर हुई यह लाइन, आगे आते हैं। नॉर्मली स्टोमेटा आर ओपन इन डे टाइम, जनरली ये दिन के समय खुले रहते हैं एंड क्लोज ड्यूरिंग द नाइट टाइम, नॉर्मली मार्क कर लेना। वट आर द जनरल टाइमिंग ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, इट इज ओपन ड्यूरिंग डे एंड क्लोज ड्यूरिंग नाइट, जनरल टाइमिंग। अब क्या कह रहा है, द इमीडिएट कॉज ऑफ द ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज द चेंज इन द टर्जिडिटी, जो एक्चुअल या तुरंत इमीडिएट कि आखिरकार स्टोमेटा ओपन और क्लोज क्यों हो जाता है, तो कह रहा है कारण, उसकी ओपनिंग का और क्लोजिंग का कारण बता रहा है, किसका कारण बता रहा है, ओपनिंग का और क्लोजिंग का। ऑफ द ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज अ चेंज इन द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल, गार्ड सेल की टर्जिडिटी, टर्जिडिटी वर्ड क्लियर है, टाइटनेस, गार्ड सेल का फूल करके टाइट हो जाना। तो अब समझते हैं ये क्या कहना चाह रहा है, यहां पे देखो डायग्राम है छोटा सा, मैं बताता हूं। ओके, ये साइड के सेल होते हैं, ये तुम्हारे पास क्या है, मेन गार्ड सेल है ये तुम्हारे पास, क्लियर है, गार्ड सेल। अभी ये मेरे पास क्या है, स्टोमेटा ओपन हो रखा है, होता क्या है, साइड से पानी जब अंदर जाएगा, साइड से पानी जब इसके अंदर जाता है, पानी अंदर जाने के कई सारे कारण है वो समझेंगे बाद में, तो ये क्या है, तनता चला जाता है, तन रहा है, तनने की वजह से पहले से नॉर्मल था, जब फूल के तंत्र चला जाता है तो इस तरह से तन जाता है, तनने की वजह से बीच में क्या हो गया, ये गैप क्रिएट हो जाता है और इसी पोर से पानी उड़ता है और गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो बात समझ में आई, गार्ड सेल टर्जिड हो रहा है, एकदम फूल के टाइट हो जा रहा है, टर्जिड हो जा रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, द इनर वॉल ऑफ द ईच गार्ड सेल टूवर्ड्स द पोर और स्टोमेटल अपर्चर, होल के लिए शब्द इस्तेमाल होता है अपर्चर, ये जो होल है, छेद है, इसको क्या बोला जाता है, अपर्चर। कह रहा है इस अपर्चर की तरफ, ये जो इसकी अपर्चर की तरफ, इस गार्ड सेल के जो वॉल है, ये वाली जो वॉल है, ठीक है ना, उसके बारे में बात कर रहा है। द इनर वॉल ऑफ द गार्ड सेल, ईच गार्ड सेल टुवर्ड्स द पोर, छेद की तरफ,
और स्टोमेटल अपर्चर इज थिक एंड इलास्टिक। ये वाली दीवार सेल की कैसी है? मोटी है एंड इलास्टिक, ठीक है ना, इसके अंदर इलास्टिसिटी होती है, स्ट्रेच हो सकती है। ओके, कहानी समझ में आई। एक पॉइंट हमारे पास यहां से ये आ गया। इसने क्या किया, एनसीईआरटी ने अंदर की दीवार की क्वालिटी बता दी कि ये थिक होता है और इलास्टिक होता है। क्लियर? आगे कह रहा है, When turgidity increase within the two guard cell, जब turgidity increase करती है, पानी अंदर आ रहा है और ये turgid हो रहा है, increase हो रहा है, within the two guard cell, cell flanking each stomatal aperture और pore, cell क्या कर रहे हैं? Flank, flank मतलब एक तरह से फैल जाना, ठीक है ना? Cells flanking each stomatal aperture और pore, ठीक है, flank करेगा उसे, the thin outer walls bulge out, बाहर की जो दीवार है वो कैसी होती है? पतली, यानी कि ये वाली जो दीवार है इसकी ये कैसी होती है? थिन होती है, बल्ज आउट, बल्ज आउट मतलब फूल के ऐसी हो गई है ना, फूल के ऐसी हो गई, ये फूल के ऐसी हो गई है, बल्ज आउट बाहर की तरफ निकल रही है, बल्ज आउट, एंड फोर्स द इनर वॉल्स इनटू अ क्रिसेंट शेप, और मजबूरी हो जब ये दीवार ऐसी बाहर तंती चली आ रही, तंती चली आ रही है, तो अंदर वाली दीवार को मजबूरी में ऐसे शेप लेना पड़ रहा है। बाहर ये तन रही है, पतली सिंगल लेयर है, तनाव आ रहा है, अंदर वाली दीवार को एक इस तरह का शेप लेना, शेप लेने पर मजबूर कर रहा है। तो कह रहा है बल्ज आउट एंड फोर्स द इनर वॉल, अंदर की दीवार को फोर्स करता है इनटू अ क्रिसेंट शेप। ये शेप का नाम क्रिसेंट जो है इसको याद रखोगे, ठीक है, कर्व टाइप का जो शेप आ रहा है। द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इज आल्सो एडेड, एडेड मतलब हेल्प किया जाता है, इसकी ओपनिंग में एक और चीज हेल्पिंग होती है ड्यू टू द ओरिएंटेशन ऑफ द माइक्रोफाइब्रिल्स इन द सेल वॉल्स ऑफ द गार्ड सेल। यहां पर देख रहे हो माइक्रोफाइब्रिल्स, ये रहे इनका ओरिएंटेशन, ये ऐसे लंबे लंबे है ना, तो ये इसको और सपोर्ट करते हैं कि खुल के फैल जाए। ये बात समझ में आई? तो फ्लैंकिंग जब टर्जिड हो रहा है उस टर्जिडिटी, इसके ओपनिंग में सेल की टर्जिडिटी और माइक्रोफाइब्रिल का ओरिएंटेशन, अब यही माइक्रोफाइब्रिल ऐसे लंबे लंबे होते तो इसको फूलने में थोड़ी सी दिक्कत आती, ठीक है ना, तो दो चीजें मिलकर के इसके फूलने में इसको हेल्प कर रहे हैं। सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स आर, अब माइक्रोफाइब्रिल्स की बात कर रहा है, किसके बने हुए हैं? सेलुलोज के बने हुए हैं। माइक्रोफाइब्रिल किसके बने हुए हैं? सेलुलोज के बने हुए हैं। अगेन एक क्वेश्चन है, माइक्रोफाइब्रिल्स आर ओरिएंटेड रेडियली, रेडियली मतलब कोई चीज सेंटर से ऐसे बाहर की तरफ होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस, रेडियली। तो देख सकते हैं सेंटर से ऐसे ऐसे बाहर की तरफ ऐसे ऐसे निकले हुए हैं सेंटर से, तो कैसे ओरिएंटेड है? रेडियली। अगेन एक क्वेश्चन है, रेदर देन लॉन्गिट्यूडिनली मतलब लंबा लंबा ऐसे ऐसे तो है नहीं, ठीक है, मेकिंग इट इजियर फॉर द स्टोमा टू ओपन। अब ये जो इसे रेडियली अरेंजमेंट है इसकी वजह से इसको आसानी हो गई है ओपन होने में। क्लियर है? व्हेन द गार्ड सेल लूज टर्गर, जब वो टर्गर को लूज करते हैं यानी कि पानी यहां से उड़ गया, लॉस हो गया ड्यू टू वाटर लॉस और वाटर स्ट्रेस, ठीक है, द इलास्टिक इनर वॉल्स रिगेन देयर ओरिजिनल शेप। अब पानी तो उड़ गया तो अंदर की वॉल कैसी इलास्टिक है? वो तन गई थी, वापस खींच करके नॉर्मल हो जाएगी, ये पोर मेरा बंद हो जाएगा, ठीक है। तो द इलास्टिक इनर वॉल रिगेन देयर ओरिजिनल शेप, द गार्ड सेल बिकम फ्लैसिड एंड द स्टोमा क्लोजेस। ये कैसा हो जाता है? फ्लैसिड हो जाएगा और स्टोमा मेरा, पोर मेरा बंद हो जाता है। क्लियर है? तो पूरी कहानी यहां से लेकर यहां तक, उसके खुलने से लेकर के बंद होने तक की कहानी हमको समझा दी गई एनसीईआरटी में, कौन कौन हेल्प करते हैं, माइक्रोफाइब्रिल्स का रोल दिखा रखा है, ठीक है, स्टोमेटल अपर्चर उसका पोर दिखा रखा है, अंदर की दीवार और बाहर की दीवार में थिकनेस और इलास्टिसिटी का डिफरेंस दिखा रखा है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो ये सब यहाँ पर क्या है, हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो नीट में पूछे जाते हैं। ओके, आगे आते हैं। यूजली जनरली द लोअर सरफेस ऑफ डॉर्सी वेंट्रल लीफ हैज अ ग्रेटर नंबर ऑफ स्टोमेटा। अब डॉर्सी वेंट्रल लीफ कैसे होते हैं? पत्ता देखा, आम का पेड़ सबने देख रखा होगा, वो पत्ता ऐसा होता है, उसको तो कहते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ। गेहूं या मकई का पत्ता देखा, ऐसा खड़ा खड़ा रहता है, ठीक है, वो डॉर्सी वेंट्रल नहीं रहा, उसमें दोनों तरफ धूप पड़ती है, और जो पत्ते ऐसे रहते हैं है ना, एक तरफ धूप ज्यादा पड़ती है और एक तरफ धूप कम पड़ती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डॉर्सी वेंट्रल यानी कि डॉर्सी वेंट्रल दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है डॉर्सल और साथ में क्या है? वेंट्रल। डॉर्सल मतलब पीठ, वेंट्रल मतलब ये फ्रंट, है ना, एनिमल किंगडम में इन सबका जिक्र है,
ओके लीव कैसी है? डॉर्सी वेंट्रल ऑफन डाइकोटिलेडनस। किन में पाई जाती है ये? डाइकॉट प्लांट में पाई जाती है। मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट में हम लोग ये पढ़ चुके हैं। किस में पाई जाती है? डाइकॉट प्लांट में पाई जाती है। हैज अ ग्रेटर नंबर ऑफ स्टोमेटा वाइल इन आइसोबायलेटरल, ठीक है ना, यानी कि इसके लोअर सरफेस पे। और जो आइसोबायलेटरल है, जो जनरली मोनोकॉट में पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया कॉर्न भुट्टा या गेहूं का पेड़ है, उसमें आइसोबायलेटरल, दोनों तरफ धूप बराबर पड़ रही है तो ऐसा खड़ा खड़ा है तो आइसोबायलेटरल है। लीफ दे आर अबाउट इक्वल ऑन बोथ सरफेस। तो पहला डिफरेंस स्टोमेटा को लेकर मोनोकॉट और डाइकॉट में क्या आ गया? डाइकॉट में जो स्टोमेटा होते हैं लोअर सर्फेस पे ज्यादा पाए जाते हैं, मोनोकॉट में लगभग लगभग दोनों तरफ पाए जाते हैं। डाइकॉट की लीफ को क्या कहते हैं? डॉर्सी वेंट्रल। मोनोकॉट की लीफ को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोबायलेटरल। ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले भी, ठीक है। मेन यहां पे डिफरेंस क्या है? स्टोमेटा का जो नई चीज आई। ट्रांसपिरेशन इज अफेक्टेड बाय सेवरल एक्सटर्नल फैक्टर। अब यहां से इसने नया स्टार्ट कर दिया। यहां इसने स्टोमेटा का डिफरेंस बताया डाइकॉट मोनोकॉट के अंदर, और यहां से इसने स्टार्ट कर दिया ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में। फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन बाय सेवरल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर की बात कर रहा है, इंटरनल की बात नहीं कर रहा। टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4, चार का यहां जिक्र किया है। फैक्टर कई सारे होते हैं, अपने एनसीईआरटी में 1, 2, 3, 4 का जिक्र कर रहा है। टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। इसके अलावा कई सारे और फैक्टर्स भी मौजूद है। फिलहाल हम एनसीईआरटी पे आते हैं। प्लांट फैक्टर्स दैट अफेक्ट ट्रांसपिरेशन इंक्लूड। प्लांट के फैक्टर की बात करें, नंबर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। प्लांट के अंदर कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करेंगे, कितने नंबर हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उनका कैसे कहां कहां फैले हुए हैं, ठीक है ना। परसेंट ऑफ ओपन स्टोमेटा, वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट, कैनोपी स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर कितने स्टोमेटा हैं, ठीक है, वो कहां कहां फैले हुए हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रखा है। परसेंट ऑफ ओपन स्टोमेटा, कितने स्टोमेटा ओपन है। वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट, प्लांट का वाटर स्टेटस कैसा है, प्लांट के अंदर पानी बहुत ज्यादा आ रहा है या बहुत कम है। कम आ रहा होगा तो बंद कर लेगा, बहुत ज्यादा पानी आ रहा होगा तो खोल लेगा सारा स्टोमेटा, ठीक है। कैनोपी, प्लांट ऐसे ऐसे होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? कैनोपी कहते हैं। कैनोपी स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, इसका इफेक्ट पड़ता है, धूप बराबर आ रही चारों तरफ से, ठीक है ना। तो ये कई सारी चीजें हैं जो ये आगे मेरे पास एक्सटर्नल फैक्टर, मार्क करना इस चीज को, और ये आगे मेरे पास इंटरनल प्लांट फैक्टर, मतलब उसके इंटरनल फैक्टर। प्लांट फैक्टर मतलब उसके प्लांट के अंदर के फैक्टर जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को अफेक्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है? ये दो फैक्टर्स। तो ट्रांसपिरेशन कराने वाला मेन जो वो है वो कौन है? गार्ड सेल है, ठीक है, जिसके थ्रू ट्रांसपिरेशन होता है। गार्ड सेल के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में समझा, ठीक है, उसके कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उसको समझा, कौन से फैक्टर हैं जो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में समझा, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों के बारे में समझा। क्लियर है? तो ये सब, यही सब इसमें हेडिंग है, इसमें हेडिंग नहीं है, यही सब हम लोग क्या हेडिंग बना के अलग से लिख सकते हैं। क्लियर? चले आगे। ओके, तो यहां पे देखो अब क्या कह रहा है, थोड़ा सा आगे आते हैं हम लोग। ओके, द ट्रांसपिरेशन ड्रिवन या ड्राइवन एसेंट ऑफ जाइलम सैप डिपेंड्स मेनली ऑन फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। समझो जरा इसे, द ट्रांसपिरेशन ड्राइवन एसेंट ऑफ जाइलम सैप, जो ट्रांसपिरेशन होता है ड्राइव करता है किसको? एसेंट ऑफ जाइलम सैप। ट्रांसपिरेशन हो रहा है तभी तो क्या हो रहा है, नीचे से पानी ऊपर आ रहा है। जाइलम के अंदर सैप है, वो क्या है? पानी जाइलम के अंदर खींचता हुआ ऊपर आ रहा है, देखा था हमने इसको। डिपेंड्स मेनली ऑन द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। किस पर डिपेंड करेगा? फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। ओके एक मिनट, हाँ कहाँ आ गए हम लोग। ओके, तो अब यहां पे हम लोग आते हैं वापस। तो क्या कह रहा है ये? द ट्रांसपिरेशन ड्रिवन एसेंट ऑफ जाइलम सेप। ट्रांसपिरेशन ड्राइव कर रहा है, ड्राइव मतलब चला रहा है किसको? एसेंट ऑफ जाइलम, पढ़ चुके हैं इसको, एसेंट ऑफ जाइलम सेप। ये डिपेंड करता है मेनली ऑन द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। पानी की किस प्रॉपर्टीज पर, ठीक है, एसेंट ऑफ जाइलम ये क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। तो दो प्रॉपर्टी है पानी की, कोहेशन एंड एडहेशन। कोहेशन मैं बता चुका हूं पहले भी, क्या होता है? म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, पानी के मॉलिक्यूल से, यानी कि सेम मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोहेशन बोलते हैं। एडहेशन, अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू पोलर सर्फेसेस सच एज द सर्फेस ऑफ ट्राइकेरी एलिमेंट, या हम यू कह लें अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल। पानी, और पानी का कहाँ आ रहा है? जाइलम के अंदर। जाइलम किसके अंदर होता है, मतलब जाइलम किसका बना होता है? ट्रैकेरी एलिमेंट, ये सब उनका बना हुआ है। तो पानी का इस जाइलम के साथ जो अटैचमेंट होगा, यानी कि टू बिटवीन टू डिफरेंट
मॉलिक्यूल, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एडहेशन। देन सरफेस टेंशन। वाटर मॉलिक्यूल आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर इन द लिक्विड फेज मोर देन टू वाटर इन गैस फेज। अगर गैस फेज की बात करें तो उतना अट्रैक्शन नहीं है जितना कि लिक्विड फेज में पानी मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, खिंचाव लगाते हैं, ठीक है ना। सरफेस टेंशन, इसको पढ़ोगे तुम लोग कहां पर? फिजिक्स में, क्लास 11th की फिजिक्स में सरफेस टेंशन में आएगा। तो वहां पर एक बात समझ में आएगी, पानी मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींच के रखते हैं, ठीक है। तो ये तीन प्रॉपर्टी है पानी की, ये तीन प्रॉपर्टी किसकी है? थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ठीक है, जिनकी वजह से क्या हो रहा है, एसेंट ऑफ जाइलम सैप क्या हो रहा है, बन पा रहा है, ठीक है। खींच कौन रहा है? ट्रांसपिरेशन की वजह से ऊपर खींच रहा है। अब खींचने के लिए ये तीन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है पानी के, जिसकी वजह से ये पूरा कॉलम ऊपर, एक पतला सा कॉलम जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, ऊपर खींचता हुआ चला जाता है। आगे आओ देखते क्या कह रहा है। दीज प्रॉपर्टीज गिव वाटर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब इसकी वजह से क्या होता है, पानी से खींचता चला, नॉर्मली पानी को ऐसे उठाओ तो टूट जाता है पानी के मॉलिक्यूल, लेकिन इस पतले से पाइप यानी कि जाइलम से जब ये ऊपर जा रहे होते हैं, इन तीन प्रॉपर्टी की वजह से पानी लंबा ऊपर खींचता चला जा रहा है और बीच में ब्रेक नहीं करेगा, खींचता ही चला जाता है, ठीक है ना। टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि अब वो टूटेगा नहीं, क्या नहीं टूटेगा, पानी का जो कॉलम बन गया वो बीच में ब्रेक नहीं करेगा, ऊपर से खिंचाव आ रहा है और पानी ऊपर खींचता चला जा रहा है। ये तीन प्रॉपर्टी मिलकर के पानी को आपस में जोड़ के रखती हैं कि पानी जब ऊपर खींच रहा होता है तो बीच में टूटे नहीं। ओके, डेट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? डेट इज एन एबिलिटी टू रेजिस्ट अ पुलिंग फोर्स एंड हाई कैपिलरिटी, ठीक है ना। यहां तक पहले बात करते हैं। दिस प्रॉपर्टी गिव वाटर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसको टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा प्रोवाइड करवाता है। डेट इज एन एबिलिटी टू रेजिस्ट अ पुलिंग फोर्स, यानी कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या, मैं इसको तोड़ रहा हूं, तोड़ तो पा नहीं रहा हूं, तो जो फोर्स इसको खींच रही है ना, ये इसका क्या कर रहा है, इसके हिसाब से क्या है, इसको रेजिस्ट कर रहा है, इसको रोक रहा है, लेकिन रोक तो पाता नहीं है, फोर्स खींचती रहती है लेकिन इसको टूटने भी नहीं देता, फिर ये इसको ये टूटने भी नहीं देता है, तो साथ में खींचा चला आता है। एंड हाई कैपिलरिटी, ठीक है ना, हाई कैपिलरिटी डेट इज एबिलिटी टू राइज इन थिन ट्यूब्स। जितना पतला पाइप होता है पानी उसके अंदर उतना ज्यादा ऊपर चढ़ जाता है। तुम लोग जब कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो उसमें स्ट्रॉ डालते हो, पानी उसमें ऊपर चढ़ जाता है, स्ट्रॉ थोड़ा मोटा होता है, और पतला करोगे पानी और ऊपर चढ़ जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिलैरिटी या कैपिलरी एक्शन। ये भी किस में पढ़ोगे? फिजिक्स में पढ़ने वाले हो, ठीक है, कैपिलैरिटी क्लास 11 की फिजिक्स में पढ़ोगे। ये जो हाई कैपिलैरिटी होती है किसकी? जाइलम की। और कैपिलरी में पानी अपने आप को, खुद को अपने आप से ऊपर चढ़ा लेता है, ये वाली प्रॉपर्टी। ये तीन प्रॉपर्टी इसको क्या प्रोवाइड करवा रही है? टेंसाइल स्ट्रेंथ और हाई कैपिलैरिटी। कैपिलरी कितना जितना पतला होता है तो इसकी एबिलिटी है टू राइज इन थिन ट्यूब्स। उसकी क्या एबिलिटी है? पतले ट्यूब में बहुत ज्यादा ऊपर अपने आप से चढ़ जाता है। इन प्लांट कैपिलरी इज एडेड बाय द स्मॉल डायमीटर ऑफ द ट्रैकेरी एलिमेंट्स। ट्रैकेरी एलिमेंट जो है जिनका जाइलम बना हुआ है, बहुत पतले पतले डायमीटर होते हैं उसके, जिसकी वजह से कैपिलरी मौजूद होती है उसके अंदर, ठीक है। ट्रैकेरी एलिमेंट में कौन कौन आ गए? ट्रैकिड्स एंड वेसल एलिमेंट। अब ये हम लोग एनाटॉमी में पढ़ चुके हैं कि ट्रैकेरी एलिमेंट्स किसके बने हुए हैं, यानी कि जाइलम किसका बना हुआ है? ट्रैकिड्स और वेसल एलिमेंट का बना हुआ है। इसमें बहुत महीन महीन पाइप होते हैं, उस पाइप को, वो पाइप कैसे बिहेव करते हैं? कैपिलरी की तरह बिहेव करते हैं, और उस कैपिलरी में पानी अपने आप ऊपर चढ़ता है। तो फिलहाल हम बात करें जो ट्रांसपिरेशन की बात हो रही है, कि ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है? जड़ से पानी सोखा गया, सोख करके ऊपर पत्तों तक आया, स्टोमेटा खुले और पानी वहां से निकल गया। अब सोचो जरा, दिमाग लगाओ, पानी कहां से आ रहा होगा? जाइलम से आ रहा होगा, इसीलिए यहां जाइलम की बातें हो रही हैं, ठीक है। पानी टूटा नहीं उसकी बात करनी पड़ रही है, निकला कहां से? स्टोमेटा से, उसकी बात भी करनी पड़ रही है। क्यों ये टॉपिक यहीं पढ़ने पड़े? क्यों हमें यहां पर ये सोचना पड़ा कि ये तीन टॉपिक यहां डाले जाएं? क्यों पानी बीच में ब्रेक क्यों नहीं कर रहा है? तो ये वाला बात भी यहां बोली गई। बात समझ में आ रही है? तो सारे टॉपिक रिलेटेड है, ऐसा नहीं कि कोई भी कहीं से रैंडम डाल दिया है। क्लियर है? आगे आते हैं, क्या बोल रहा है? द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्स वाटर। फोटोसिंथेसिस को पानी चाहिए चाहिए, पढ़ेंगे आप आगे आने वाले चैप्टर में। द सिस्टम ऑफ जाइलम वेसल फ्रॉम द रूट टू द लीफ वीन कैन सप्लाई द नीडेड वाटर। कह रहा है इसको पानी चाहिए, और जो सिस्टम है किसका? जाइलम वेसल्स का। कहां से कहां तक? रूट से लेकर के लीफ की वीन। वीन मतलब क्या होती है? ये क्या है? लीफ की वीन। फाइनली जाइलम कहां पाया जाता है? इन वीन्स में पाया जाता है ना। ये क्या है? वीन्स। रूट से लेकर के इन वीन्स तक,
जो जाइलम वेसल फैले हुए हैं वो पानी को क्या कर रहा है, पानी की सप्लाई पूरी कर रहा है, ये लाइन लिखी है यहां तक। बट व्हाट फोर्स डज अ प्लांट यूज टू मूव वाटर मॉलिक्यूल इनटू द लीफ पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा सेल क्या होते हैं पता है? पता है ठीक है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं, जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो जानते हैं। पेरेन्काइमा सेल तीन टाइप के सेल पाए जाते हैं ठीक है ना। पेरेन्काइमेटा सेल्स लिविंग सेल्स होते हैं, प्लांट एनाटॉमी में हमने पढ़े थे ठीक है। तो जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग यहाँ पॉज करके, पेरेन्काइमा सेल का कन्फ्यूजन हो रही है, नहीं कन्फ्यूजन हो रही है या कह रहे हैं नहीं हम बाद में देख लेंगे, तो समझ लो जो सेल पाए जाते हैं प्लांट के अंदर ठीक है ना, टिश्यूज पाए जाते हैं, उनमें हमारे पास एक पेरेन्काइमा होता है ठीक है, जो लिविंग होता है, और एक तरह से प्लांट जहाँ जहाँ खाली होता है वहाँ वहाँ पर ये पेरेन्काइमेटा सेल आकर के उस स्पेस को भर देते हैं। सीधी सी बात ये समझ के चलो अभी, क्लियर है? तो दे नीड वाटर, बट वट फोर्स डज अ प्लांट यूज टू मूव वाटर मॉलिक्यूल इनटू द लीफ पेरेन्काइमा। लीफ के जो यहाँ पे पेरेन्काइमा सेल है इनमें पानी का मॉलिक्यूल कैसे जा रहे हैं, कौन सी फोर्स लेके जा रही है, वहां तो जाइलम वेसल नहीं है ठीक है। ओके, क्योंकि जाइलम वेसल तो केवल यहीं तक था ना, यहां तक, यहां पर जो सेल्स हैं पेरेन्काइमेटा सेल उनमें पानी कैसे जा रहा है। एज वाटर एवोपरेट थ्रू द स्टोमेटा, कह रहा है एज जैसे कि पानी उड़ता है कहां से, स्टोमेटा से। सिंस द थिन फिल्म ऑफ वाटर ओवर द सेल इज कंटिन्यूअस, इट रिजल्ट इन पुलिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल इनटू द लीफ फ्रॉम द रिजल्ट इन पुलिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल इनटू द लीफ फ्रॉम द, अच्छा साइलम रिपीट हो गया, क्या समझो क्या कह रहा है। एज वाटर एवोपरेट थ्रू द स्टोमेटा, स्टोमेटा से लगातार पानी उड़ रहा है, फिर क्या कह रहा है, सिंस द थिन फिल्म ऑफ वाटर ओवर द सेल्स, सेल्स के ऊपर पानी की एक पतली फिल्म ठीक है ना, इज कंटिन्यूस, लगातार एक पतली फिल्म उसके ऊपर हो रही है ठीक है। तथ्य फिन फिल्म ऑफ वाटर ओवर द सेल इज कंटिन्यूस, लगातार रहती है। इट रिजल्ट इन पुलिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल, ये कर रहा है पानी को खींच रहा है मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल। तो साफ साफ समझ लो बात क्या कह रहा है, थिन फिल्म ऑफ वाटर ओवर द सेल इज कंटिन्यूस ठीक है ना, भले यहाँ पे जाइलम नहीं है लेकिन आगे एक पानी की पतली सी फिल्म सेल के ऊपर कवरअप तौर पे रहती है। इट रिजल्ट इन पुलिंग ऑफ वाटर, अब ये अल्टीमेटली कहाँ तक जाती है ठीक है, मैं यहाँ तुम लोगों को दिखाता हूँ ठीक है। जाइलम तो खत्म हो गया, पानी की एक लेयर यहाँ सेल बाय सेल रहेगी, और वो पानी कहाँ तक आएगा, धीरे धीरे यहाँ तक आएगा, सेल बाय सेल, एक एक मॉलिक्यूल खींच खींच के कहाँ तक लाया जाएगा, यहाँ तक लाया जाएगा। अब बात क्लियर हुई ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल एक फिल्म जो होगी पानी की खींची जाएगी कहां से, फाइनली इसकी जाइलम से ठीक है, फ्रॉम जाइलम। आल्सो बिकॉज ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, और इसके आसपास यहां पर क्या है, H2O का कंसेंट्रेशन काफी कम है एज कंपेयर टू सब स्टोमेटल कैविटी, सब स्टोमेटल कैविटी, इस कैविटी से सब नीचे यहां पर जो पानी का कंसेंट्रेशन है वो ज्यादा है और बाहर सराउंडिंग में पानी का कंसेंट्रेशन कम है। हाँ ठीक है, यहां अंदर ज्यादा है, बाहर सराउंडिंग में पानी का कंसेंट्रेशन कम है। सब स्टोमेटल कैविटी, कैविटी सब स्टोमेटल मतलब सब कैविटी से नीचे वाला, सब मतलब है सब इंस्पेक्टर जैसा होता है, इंस्पेक्टर के नीचे सब इंस्पेक्टर, ठीक वैसे ही। तो यहां बोल रहा है बिकॉज ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर एज कंपेयर टू द सब स्टोमेटल कैविटी, कैविटी के जस्ट नीचे वाले जो सेल्स होते हैं उसके कंपेयर में वहां पानी ज्यादा है। एंड इंटरसेलुलर स्पेस, और जो सेल के बीच में स्पेस है वहां पे पानी ज्यादा है। वाटर डिफ्यूजेस इनटू द सराउंडिंग एयर, पानी क्या होता है ऑटोमेटिक डिफ्यूज कर जाता है एयर में, दिस क्रिएट्स अ पुल, और ये एक पुल खिंचाव पैदा करता है, फिगर 11.9 ठीक है। ये देखो यहां पर क्या है, समझा रखा है इसको, ये जाइलम, जाइलम यहां तक पानी तो आ ही गया चढ़ते चढ़ते, यहां तक वाटर आ गया, अब क्या है ये फ्लोएम है, अब एक परत चढ़ी हुई है किसकी, मैंने कहा जो पानी की फिल्म है हर एक सेल के ऊपर मौजूद है, यहां से पानी खिंचता हुआ, ये देखो ये पोर है, ये स्टोमेटल पोर है ठीक है, सेल बाय सेल, सेल बाय सेल, सेल बाय सेल ठीक है, सेल बाय सेल, सेल बाय सेल, सेल बाय सेल, ये इंटरसेलुलर स्पेस आ गया, ये सेल आ गया ठीक है। अब यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां पर जो है, यहां पर पानी का कंसेंट्रेशन क्या है, कम है, और यहां पानी का कंसेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, सेल बाय सेल खिंचता हुआ आ रहा है, जैसे ये पोर खुला यहां कंसेंट्रेशन ज्यादा है, यहां कंसेंट्रेशन ज्यादा है, ये ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ क्या हो गया,
डिफ्यूज होना शुरू हो गया। बात समझ में आ गई? ठीक है, दिस क्रिएट्स अ पुल, इसकी वजह से जैसे पानी यहां निकलेगा ये तो यहां पर एक वैक्यूम क्रिएट होगा, ये पानी को और खींचेगा, इसकी वजह से एक पुल क्रिएट होता है। वैक्यूम मैंने क्यों कहा, जैसे पैन का ढक्कन होता है तुम ऐसे खींचते हो तो जीभ में फंस जाता है, फंसता है क्योंकि तुमने उस पैन के ढक्कन के अंदर की हवा सारी खींच ली। वैसे ही जहां से ये पाइपिंग सिस्टम है, जैसे पानी खींच जाता है तो पीछे वैक्यूम क्रिएट होता है, वो पानी को और खींचेगा, तो एक पुल क्रिएट हो जाता है, खिंचाव पैदा हो जाता है उसके अंदर। ठीक है, बात समझ में आई? कह रहा है मेजरमेंट रिवील्स, रिवील्स मतलब बताता है कि इस चीज को, रहस्य को उद्घाटन करना या उद्घाटन मतलब रहस्य खोलना। मेजरमेंट किया हमने, उसने रिवील किया, बताया दैट द फोर्सेस जनरेटेड बाय ट्रांसपिरेशन कैन क्रिएट प्रेशर। जो फोर्स क्रिएट होते हैं, जनरेट होते हैं बाय ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन के द्वारा, कैन क्रिएट प्रेशर सफिशियंट टू, क्रिएट कर सकता है प्रेशर जो कि सफिशियंट है, काफी है, टू लिफ्ट अ ज़ाइलम साइज कॉलम ऑफ वाटर ओवर 130 मीटर ऑफ हाई। ज़ाइलम जितना पतला, इतने कॉलम पानी को ऊपर तक खींचने के लिए जो फोर्स यहां से पैदा होती है ट्रांसपिरेशन की वजह से, काफी है, इतने पतले कॉलम को खींचना संभव हो जाता है इस फोर्स के द्वारा, खींच सकती है ये फोर्स। क्लियर है? इसको हम लोगों ने क्या किया है, मेजर किया है। क्लियर, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये सारी बातें यहां पर दे रखी हैं। तो क्या कह रहा है, देखें डायग्राम, वाटर मूवमेंट इन द लीफ, ऑपरेशन फ्रॉम द लीफ सेट्स ऑफ अ प्रेशर ग्रेडियंट, एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है बिटवीन द आउटसाइड एयर एंड द एयर स्पेसेस ऑफ द लीफ, लीफ का जो एयर स्पेसेस है और आउटसाइड, यहां पर क्या एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, यहां प्रेशर कम, यहां प्रेशर ज्यादा। क्लियर है? द ग्रेडियंट इज ट्रांसमिटेड इन टू द फोटोसिंथेटिक सेल। वो ग्रेडियंट कहां चला जाता है, कहां ट्रांसमिट हो जाता है, फोटोसिंथेटिक सेल के अंदर एंड ऑन द वाटर फील्ड ज़ाइलम इन द लीफ वीन, यहां से और यहां पर। ठीक है ना, ये जो प्रेशर का ग्रेडियंट है वो ट्रांसमिट हो रहा है इन लोगों के बीच में, और यहां से इस तरीके से होता हुआ क्या हो रहा है, ये जो पानी है वो बाहर आ रहा है। क्लियर है? तो ये लाइनें पढ़ना जरूरी है, कई बार लाइनों से क्वेश्चन, इन्हीं लाइनों से उठ करके क्या आते हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर से देख लेते हैं क्या कह रहा है यहां तक, तो बात समझ में आ गई। वाटर मूवमेंट इन द लीफ, एवपोरेशन फ्रॉम द लीफ सेट्स अप अ प्रेशर, यहां से जो एवपोरेशन हो रहा है वो एक प्रेशर को सेटअप कर दे रहा है, किसको, प्रेशर ग्रेडियंट, यानी कि एक तरफ ज्यादा है प्रेशर, एक तरफ कम है, बिटवीन द आउटसाइड एयर एंड द एयर स्पेसिस ऑफ द लीफ। यहां तक कहानी समझ में आ गई, एक प्रेशर क्रिएट हो गया। द ग्रेडियंट इज ट्रांसमिटेड इन टू द फोटोसिंथेटिक सेल, ये ग्रेडियंट कहां चला जाता है, फोटोसिंथेटिक सेल में चला जाता है, एंड ऑन द वाटर फील्ड ज़ाइलम इन द लीफ वीन। ये जो ग्रेडियंट क्रिएट होता है ये ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है ना, फोटोसिंथेटिक सेल, जिन सेल्स के अंदर फोटोसिंथेटिक है और जिन सेल के अंदर क्या है, ज़ाइलम, वाटर फील्ड ज़ाइलम सेल, जिससे क्या है ऐसे ऐसे करके पानी का खिंचाव लगातार बना रहता है। ठीक है, फोटोसिंथेटिक सेल लगातार पानी को खींचते रहते हैं और ये पानी आगे बढ़ता रहता है। क्लियर है? चले आगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस आ कॉम्प्रोमाइज, एक कॉम्प्रोमाइज है ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस, आओ देखें कैसा कॉम्प्रोमाइज है। कह रहा है ट्रांसपिरेशन हैज मोर देन वन पर्पस, ट्रांसपिरेशन के एक से ज्यादा पर्पस होते हैं, इट क्रिएट ट्रांसपिरेशन पुल फॉर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट्स। ठीक है ना, ये ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट करता है किसके लिए, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट। एब्जॉर्प्शन किसका करेगा, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स का, और उसको ट्रांसपोर्ट करवाना है। ठीक है, इट सप्लाइज वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए पानी चाहिए, तो लगातार क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, पत्तों में फोटोसिंथेसिस होकर के क्या बन रहा है, स्टार्च बन रहा है, उसमें भी पानी चाहिए तो उसको भी प्रोवाइड करवा रही है। ट्रांसपोर्ट मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू ऑल पार्ट्स ऑफ वाटर, ऑब्वियसली बात है पानी का खिंचाव हो रहा है, यानी कि पानी जो ऊपर आ रहा है उनके साथ साथ मिनरल्स भी आ रहे हैं, कॉमन सी बात है। कूल्स लीव सरफेस, अच्छा सबसे बड़ा क्या है, पत्ते गर्म हो जाते हैं तो हमें जब एवपोरेशन होता है ना तो पीछे क्या छोड़ जाते हैं, हीट, कैसे बताओ, लॉजिक बेसिस ऑफ क्वेश्चन, पसीने के बाद हमको ठंडा क्यों लगता है, पसीना जब सूखता है तो हमें ठंडा क्यों लगता है, हाँ शायद कुछ लोगों को याद आ रहा है, जब पानी होता है हमारी बॉडी को हीट से उड़ जाता है वो, तो हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी की हीट लेके उड़ गया वो, तो पीछे क्या बचा, ठंडक। सेम होता है पत्तों में, ये पानी उड़ रहा है ये पत्तों की हीट लेके उड़ जाता है तो पत्ते क्या हो गए, कूल। ठीक है, समटाइम 10 to 15 degrees, 10 से 15 degrees तक ठंडा रखता है, और यही वजह है पेड़ के नीचे क्या लगता है हमको, ठंडक लगती है, बाय एवपोरेटिव कूलिंग, है ना, पत्ते ठंडे हैं, बाहर टेम्परेचर कितना है, धूप में टेम्परेचर है 40 डिग्री,
पेड़ के नीचे गए, अरे वाह बड़ा ठंडा लग रहा है, 30 डिग्री के जैसा लग रहा है, 35 डिग्री के जैसा लग रहा है, क्यों? पत्ते ठंडे हैं। बात समझ में आ रही है? तो देखा क्यों प्लांट जरूरी है ना, सब लोग प्लांट को काटने में लगे रहते हैं। खैर आगे आते हैं। मेंटेन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट बाय कीपिंग सेल्स टर्जिड। अब लगातार पानी खींचता रहेगा तो सेल टाइट रहेंगे, सेल टाइट रहेंगे तो उससे क्या होगा, अब एवपोरेशन हो गया है, ठीक है, तो सेल सिकुड़ जाएंगे, तो पानी खींचेगा, पानी खींचेगा सेल फिर भर जाएंगे, तो टर्जिड रहेंगे, पत्तों का शेप बना रहेगा। तो ये सारे क्या है, सारे काम है जो ट्रांसपिरेशन कर रहा है, यानी कि उसका काम एक से ज्यादा है। ये सारे काम अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा ये सारे काम रुक जाएंगे। क्लियर है? आगे आते हैं, क्या कह रहा है, एन एक्टिवली फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट हैज एन इनसेटिएबल नीड ऑफ वाटर। ठीक है ना, जो बहुत ही ज्यादा फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट है उनको बहुत ज्यादा जरूरत है किसकी, पानी की, इनसेटिएबल, ठीक है, जिसको मतलब कह सकते हैं बहुत ज्यादा। फोटोसिंथेसिस इज लिमिटेड बाय अवेलेबल, क्या कह रहा है ये, फोटोसिंथेसिस इज लिमिटेड बाय अवेलेबल वाटर विच कैन बी स्विफ्टली डिप्लीटेड बाय ट्रांसपिरेशन। यानी कि फोटोसिंथेसिस लिमिट हो सकता है बाय अवेलेबल वाटर, जो पानी अवेलेबल है उसके द्वारा फोटोसिंथेसिस रुक सकता है, पानी खत्म या कम पड़ जाए तो फोटोसिंथेसिस भी रुक जाएगी, लिमिटेड हो जाती है, पानी उसका एक लिमिटिंग फैक्टर है। विच कैन बी स्विफ्टली डिप्लीटेड बाय ट्रांसपिरेशन, जो कि धीरे धीरे क्या है, डिप्लीट हो जाएगा ट्रांसपिरेशन के थ्रू। द ह्यूमिडिटी ऑफ रेन फॉरेस्ट इज लार्जली ड्यू टू दिस वास्ट साइक्लिंग ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू लीफ टू एटमोस्फियर एंड बैक टू द सॉइल। जो रेन फॉरेस्ट बहुत ज्यादा ह्यूमिड होते हैं ना, नमी होती है, क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ दिस वास्ट, वास्ट मतलब बहुत ज्यादा साइक्लिंग ऑफ वाटर, वाटर की साइक्लिंग हो रही है, कहां से, रूट से जा रहा है पत्तों में, पत्तों से कहां जा रहा है, एटमोसफेयर में, एटमोसफेयर से वापस कहां आ रहा है, सॉइल में, तुरंत पानी भाप बने, बादल बने, तुरंत बरस गया। तो ये लगातार जो साइकिलिंग हो रही है इसकी वजह से क्या है, बहुत ज्यादा वहां पे क्या रहती है, ह्यूमिडिटी रहती है, पत्तों से लगातार पानी निकलता रहता है। ओके आगे आते हैं। द इवोल्यूशन ऑफ C4 फोटोसिंथेटिक सिस्टम। अब C4 क्या है पढ़ेंगे इसको हम लोग आगे, जब फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे वहां पे C4 प्लांट के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। C4 कुछ नहीं है, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर 4 कार्बन पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि पहला कंपाउंड जो बनता है फोटोसिंथेसिस में, अगर 3 कार्बन वाला बनता है तो C3 बोल देते हैं, 4 कार्बन वाला बनता है तो C4 बोलते हैं, फिलहाल इतना समझ लो अभी। इज प्रोबेबली वन ऑफ द स्ट्रेटजीज फॉर मैक्सिमाइजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 व्हाइल मिनिमाइजिंग द वाटर लॉस। कह रहा है कि जो C4 प्लांट का इवोल्यूशन हुआ है, इवॉल्व हुए हैं, ठीक है ना, संभवता, प्रोबेबली संभवता, वन ऑफ द स्ट्रेटजीज, एक रणनीति है, ठीक है ना, किस चीज की, मैक्सिमाइज करना है, क्या, अवेलेबिलिटी ऑफ CO2, ज्यादा से ज्यादा CO2 अंदर आए जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होता है, व्हाइल मिनिमाइजिंग द वाटर लॉस। और भाई जब CO2 अंदर लेगा तो पोर को खुलना पड़ेगा, जब पोर खुलेगा तो पानी का लॉस होगा, ठीक है ना, तो पानी का लॉस भी ना हो और CO2 भी अंदर आ जाए। अब कहोगे सर ये कैसे होगा, फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में समझेंगे, अलग टाइम पर, मतलब CO2 तो हर समय अवेलेबल है ना, तो रात में ले लेगा CO2 को, पढ़ेंगे उस प्रोसेस को। तो ये प्लांट ने ऐसी रणनीति तैयार कर ली है कि जिस समय CO2 बहुत सारा ले लेगा, रख कर स्टोर कर लेता है, ठीक है ना, और पानी का लॉस भी नहीं होने देता, यानी कि स्टोमेटा बंद रखेगा अपना, CO2 का साधन इसका कोई दूसरा होता है, बताएंगे समझेंगे उसमें, ठीक है ना, तो इसको स्टोमेटा खोलने की जरूरत पड़ती नहीं, तो पानी का लॉस होता नहीं है, समझेंगे उसको बाद में। C4 प्लांट्स आर ट्वाइस एज एफिशिएंट एज C3। अब C3 में क्या है, स्टोमेटा खोल के ही वो क्या लेता है अपना, CO2 ले रहा है, तो उसकी कहीं ना कहीं क्षमता डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि अगर पानी का लॉस ज्यादा हो गया तो स्टोमेटा बंद करना पड़ेगा, स्टोमेटा बंद हो गया तो CO2 नहीं ले पाएगा, CO2 नहीं लेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, तो क्षमता उसकी गिर जाएगी। तो इसीलिए C4 प्लांट्स आर ट्वाइस एज एफिशिएंट एज C3 प्लांट्स इन टर्म्स ऑफ फिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के टर्म में अगर बात आ जाए तो C4 प्लांट ज्यादा एफिशिएंट है, लगभग दुगनी क्षमता से CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से, ये फिक्सिंग का मतलब एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेना, या मेकिंग शुगर एब्जॉर्ब करके करेंगे क्या CO2 का, फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस का मतलब स्टार्च बनाएंगे, स्टार्च का मतलब शुगर बना रहे हैं। हाउएवर अ C4 प्लांट लूज ओनली हाफ एज मच एज वाटर एज C3। अब देखो C4 C3 का यहाँ कंपेरिजन चल रहा है, एक तरह से डिटेलिंग आएगी फोटोसिंथेसिस में, थोड़ी डिटेलिंग यहां पर है, इस वाले पार्ट को चाहते हैं लिख लेना मार्क करके कि फोटोसिंथेसिस में फिर से पढ़ेंगे इसको, वहां डिटेलिंग आ जाएगी। तो C4 C3 में आप एक ये क्या बता दे रहा है, C4 में दुगनी क्षमता है CO2 को एब्जॉर्ब करने की,
दूसरी बात क्या बोल रहा है, सीफोर प्लांट लूज ओनली हाफ। पानी की बात करें तो पानी सिर्फ आधा ही लॉस होता है कंपेयर टू सी थ्री, ठीक है ना, फॉर द सेम अमाउंट ऑफ सी ओ टू फिक्स। जितनी अमाउंट ऑफ सी ओ टू ले रहा है वो, तो सी फोर अपने अंदर से पानी को आधा ही लॉस करता है, सी थ्री पानी का ज़्यादा नुकसान हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे स्टोमेटा को ओपन होना पड़ता है। अब यहाँ पे कुछ बातें हो सकता है, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर ना हो रही हो। तो फिलहाल सी थ्री सी फोर प्लांट मैंने बता दिया, पहला कंपाउंड जिसमें चार कार्बन होते हैं उसको सी फोर बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान पहला कंपाउंड ऐसा बने जिसमें तीन कार्बन होते हैं उसे सी थ्री बोलते हैं। छोटा सा डिफरेंस यहाँ पे बना करके लिख लेना अभी, सी फोर और सी थ्री। अगर सी फोर सी थ्री ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है अभी, तो सिर्फ डिफरेंस क्रिएट करके यहाँ पे लिख लें ताकि कुछ चीज़ें याद हो जाएं। फोटोसिंथेसिस में इसकी हम लोग क्या करेंगे, डिटेलिंग करेंगे। क्लियर है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट है 11.5, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो यहाँ तक अच्छे से पढ़ के साइड में इसके शॉर्ट नोट्स चाहो तो बना सकते हो, ठीक है, एक एक लाइन में क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ, ठीक, इससे तुम लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। क्लियर है, तो पढ़ते रहें और खास खास पॉइंट को अंडरलाइन करके, पॉइंट तो लगभग सारे ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, खास खास पॉइंट को मार्क करके साइड में लिख सकते हो, ठीक है, जिससे कि फटाक से बुक पलटो और वो चीज़ याद हो जाए। एनसीईआरटी लेके बैठे थे ना, गुड, तो क्या करना है, रिवाइज करना है, पढ़ना है जो पढ़ा दिया है, ठीक है, ऑल द बेस्ट।